नमस्कार, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक क्वांटम नंबर्स पर चर्चा करेंगे। क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, कक्षकों का आकार, आकृति, अभिविन्यास तथा चक्रण को दर्शाने के लिए आवश्यक संख्याओं को ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये चार प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या के हमें जो जो जानकारी मिलती है वो है, मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कोश या कक्ष या कक्षा को दर्शाती है। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता चला जाता है, कक्षकों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से। और किसी भी कोश में जो कक्षकों की संख्या है वो n स्क्वायर के बराबर होती है। n का मान बढ़ने पर कोश या कक्ष का आकार भी बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बढ़ती चली जाती है। अतः कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी तथा स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहले बोर ने बताया था, और n का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है, अब किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके बराबर होगी, 2n स्क्वायर के। और n का मान शून्य तो कभी हो नहीं सकता, तो n का मान कोई भी पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर कैपिटल K, L, M, N और O ये होंगे। ठीक है, तो K, L, M, N तथा O कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या क्या हो सकती है, 2, 8, 18, 32, ठीक है, इतनी हो सकती है। अब देखो कक्षा क्या होती है, कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है उसे अपन क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर या कोश भी कहते हैं। तो कक्षा के बारे में सबसे पहले बताया था बोर ने, और इसे ही अपन मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा दर्शाते हैं। फिर कक्षक क्या होता है, ऑर्बिटल, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर अंतराल में वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतम। ठीक है, यानी कि 3D में या स्पेस में वो स्थान नाभिक के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, संभावना अधिकतम होती है, उसे हम कक्षा के अंदर होता है कक्षक, उसे कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब है आपकी दूसरी क्वांटम संख्या द्विगंशीय या कक्षक कोणीय संवेग या बोहम क्वांटम संख्या। तो ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में आपको सबसे पहले सोमरफील्ड ने बताया था। ये क्वांटम संख्या उपकोश को बताती है, उपकोश को, तथा बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की ऊर्जा के बारे में भी हमें ये बताती है। ये कक्षक के त्रिविमीय आकार के बारे में बताती है। किसी nवें कोश में उपकोशों की संख्या जो है वो क्या होती है आपके, किसी nवें कोश में उपकोश की जो संख्या है उसके मान क्या होते हैं, 0 से n-1 तक मान हो सकता है। यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान क्या हो सकता है, 0 से n-1 तक मान हो सकता है। अर्थात n के किसी मान के लिए l बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1 तक हो सकता है। एग्जाम्पल, पहले कोश के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, उसमें कितने उपकोश होंगे, केवल एक उपकोश होगा, इसके लिए l के मान क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे कोश के लिए कितने उपकोश होंगे, उसमें उपकोश हो सकते हैं अपने 0 से लेकर के n-1 यानी कि 0 और 1, 2 उपकोश हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे कोश में 3 उपकोश हो जाएंगे जिनके लिए l के मान 0, 1 और 2, ये 3 मान हो जाएंगे।
तो उपकोषों के संकेत स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी तथा एफ ओ ये होते हैं, ठीक है। यानी कि उपकोषों के सिंबल हो गए स्मॉल लेटर्स में, एस पी डी एफ, ठीक है। तो जो है आपके एस का मतलब क्या है, यहाँ पे एस का मतलब शार्प, पी का मतलब यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, एंड एफ का मतलब है फंडामेंटल। स्पेक्ट्रम रेखाओं के पहले अक्षर से इनके नाम लिए गए हैं, यानी कि एस पी डी एफ नाम कहाँ से आए हैं, तो एस का नाम तो शार्प, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, एंड एफ नाम जो है फंडामेंटल। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पहले अक्षर से इनके नाम लिए गए हैं। एस उपकोष जो है उसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार होता है। पी उपकोष जो है वो डंबल शेप होता है। डी उपकोष जो है आपके सब ऑर्बिटल ये डबल डंबल शेप होता है। और एफ ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब आपके है यहाँ पे एल का मान जो है वह एन के समान या इससे अधिक तो कभी भी नहीं हो सकता। एल का मान हमेशा जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक ही होता है, ओके। फिर एस उपकोष जो है 1s से, पी उपकोष 2p से, और डी उपकोष 3d से, तथा एफ उपकोष 4f से प्रारंभ होता है, ठीक है। अब जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 दी हुई है, तो द्विवंशीय क्वांटम संख्या के मान क्या हो जाएंगे, l बराबर 0 और उसमें उपकोष केवल 1 होगा 1s। इसी प्रकार से अगर मुख्य क्वांटम संख्या के मान 2 है, यानी कि दूसरी कक्षा की चर्चा करेंगे, तो उसमें उपकोष 2 होंगे जिनके लिए एल के मान 0 और 1 हो जाएंगे, और उपकोष वो कौन कौन से होंगे, 2s और 2p। ऐसे ही तीसरी कक्षा के लिए हम चर्चा करेंगे तो उसमें 3 उपकोष पाए जाएंगे, और उन उपकोषों के लिए एल के मान 0, 1 और 2 होंगे, और उपकोष कौन कौन से होंगे, 3s, 3p एंड 3d। चौथी कक्षा की चर्चा करते हैं तो उसमें 4 उपकोष पाए जाएंगे और एल के मान 0, 1, 2 और 3 हो जाएंगे, क्योंकि एल के मान जो है वो 0 से लेके एन माइनस वन तक होते हैं। और वो चारों उपकोष कौन कौन से होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर करती है, और ये कक्षक कोणीय संवेग क्या होता है, h अपॉन 2π अंडर रूट में l गुणा l प्लस 1, ठीक है। अतः द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो हमें कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर ऊर्जा का निर्धारण करने में भी सहायता करती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का क्रम क्या होता है, यानी कि s कक्षकों की ऊर्जा तो आपके सबसे कम है, उससे ज़्यादा p, उससे ज़्यादा d, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है f की, क्योंकि इनके लिए l का मान क्या होता है, 0, 1, 2, 3 होता है। सबसे कम s की ऊर्जा है, फिर p, फिर उससे ज़्यादा d, और सबसे ज़्यादा f की ऊर्जा है, ठीक है। यानी कि जिसकी ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा और नाभिक के उतना ज़्यादा पास रहेगा। तो s कक्षक के लिए कक्षक कोणीय संवेग का मान क्या होता है, 0। अतः s कक्षक की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करती है। फिर आपकी तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इस क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, लैंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इससे कक्षक के बारे में जानकारी मिलती है। इस क्वांटम संख्या से कक्षकों का त्रिविमीय अभिविन्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या किसके बराबर होती है, 2l+1 बराबर ml, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान जो है वो माइनस एल से प्रारंभ होकर के प्लस एल तक चलते हैं, और अधिकतम कितने मान संभव है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2l+1, ठीक है। तो जैसे L का मान 0 है तो उपकोष केवल 1 होगा, और वो कौन सा होगा, S, और उसके लिए ML का केवल 1 मान होगा। 2l+1 में वैल्यू रखेंगे L की तो 0 आएगा, यानी कि कक्षकों की संख्या यहाँ पर केवल 1 हो गई S, एक S कक्षक होगी। फिर L का मान अगर 1 है तो उपकोष जो है वो आपके यहाँ पर हो गया P,
एंड ml के मान जो है वो आपके माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक, यानी कि माइनस एक, ज़ीरो एंड प्लस एक, तो तीन पी कक्षक हो गए और उनकी डायरेक्शन जो है x, y और z डायरेक्शन में होने के कारण पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल इनके नाम हो गए। अब l बराबर दो तो उपकोष हो गया d एंड ml की वैल्यूज़ जो है वो माइनस एल से प्रारंभ होकर के प्लस एल तक चलेंगी, ठीक है। और अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती है, 12 + 1, यानी कि एल की वैल्यू दो रखेगी तो पाँच आपको यहाँ पे मिल गए कक्षक। और पाँचों डी कक्षक कौन कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और एल बराबर तीन के लिए उपकोष हो गया एफ, और यहाँ पर एम एल के अधिकतम सात मान संभव है 12 + 1 से, और मान माइनस एल से प्लस एल तक हो गए, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, ज़ीरो, प्लस एक, प्लस दो एंड प्लस तीन, सात एफ कक्षक हो गए, ठीक है। अब विभिन्न कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान निम्न प्रकार माने जाते हैं, जैसे कक्षक है आपके एस, तो उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान ज़ीरो हो गया, जबकि अगर पी एक्स ऑर्बिटल है तो उसके लिए या तो प्लस एक या फिर माइनस एक, और पी वाई के लिए माइनस एक या फिर प्लस एक, और पी जेड के लिए ज़ीरो। ऐसे ही डी एक्स वाई के लिए या तो माइनस दो या प्लस दो, डी वाई जेड के लिए या तो प्लस एक या माइनस एक, डी जेड एक्स के लिए या तो माइनस एक या प्लस एक, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर के लिए या माइनस दो या प्लस दो, और डी जेड स्क्वायर के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, ज़ीरो। फिर आपकी चौथी क्वांटम संख्या जो है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस क्वांटम संख्या के बारे में आपको उलेनबेक तथा गाउट स्मिट ने सबसे पहले बताया था। तो ये क्वांटम संख्या जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर उसी प्रकार से चक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण से एक दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और चक्रण कोणीय संवेग का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो है h अपॉन 2 पाई अंडर रूट में s गुणा ब्रैकेट में s प्लस 1। यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा, हाफ। इलेक्ट्रॉन के लिए किसी अक्ष के सापेक्ष दो अभिविन्यास हो सकते हैं जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का प्लस हाफ या माइनस हाफ मान हो सकता है। इन्हें चक्रण की दो चक्रण अवस्थाएं स्पिन स्टेट भी कहते हैं, जिन्हें अपन सामान्यतः दो तीरों यानी कि अपर हेडेड एरो है तो एस की वैल्यू प्लस हाफ और डाउन हेडेड एरो है तो एस की वैल्यू माइनस हाफ द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के विभिन्न मान वाले दो इलेक्ट्रॉन क्रमशः जिनकी वैल्यू क्या है, विपरीत चक्रण है तो एस बराबर प्लस हाफ तथा माइनस हाफ, ये हमेशा विपरीत चक्रण युक्त होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या का मान किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह एक स्वतंत्र क्वांटम संख्या है, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसके लिए s की वैल्यू आ गई प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, ठीक है। तो किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, दो गुणा ब्रैकेट में दो एल प्लस वन। अतः s उपकोष में दो, p उपकोष में छः और d उपकोष में अधिकतम 10 और f उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी कि क्वांटम संख्याओं के माध्यम से हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। किसी भी परमाणु में किन्हीं भी
दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं होता है। चारों क्वांटम संख्याओं में से अगर तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाए तो भी कम से कम एक क्वांटम संख्या का मान अलग होता है, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत चक्रण वाले होंगे, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान तो आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग मिलेगा। यानी कि किसी भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं। ठीक है।